बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आए हैं, एक दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय का और एक गुजरात माननीय उच्च न्यायालय का। और इन दोनों आदेशों से भारतीय जनता पार्टी की ओछी और घटिया राजनीति का खुलासा हुआ है। दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे थे, इस कोरोना संकट के समय में दिल्ली सरकार की कोई मदद करने के बजाय, दिल्ली सरकार का कोई सहयोग करने के बजाय लगातार सवाल उठा रहे थे कि कोरोना संकट के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन आंकड़ों में दिल्ली सरकार हेराफेरी कर रही है। ऐसा घटिया आरोप, ऐसी ओछी राजनीति, और उसमें लेके कभी एमसीडी के मेयर का बयान आ रहा है, कभी भाजपा के नेताओं का बयान आ रहा है। कोई कह रहा है 1000 मौत हो गई, कोई कह रहा है 1500 मौत हो गई। आप दिल्ली की जनता को भयभीत करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को डराना चाहते हैं, मौत के आंकड़ों पर भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जिस प्रकार से याचिका को खारिज किया है, मौत के आंकड़ों पर जो याचिका दायर की गई थी, उससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोरोना में मौत के मामले में भी एक ओछी और घटिया राजनीति कर रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा सी भी शर्म और नैतिकता है तो उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं आदेश ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन अंतिम की जो 2-3 लाइनें हैं वो पढ़ दूंगा। 7वें नंबर के पॉइंट पे, देयर सीम्स टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन, नॉर इज देयर आर एनी मटेरियल टू सो फॉल्स फैब्रिकेशन ऑफ डाटा इन क्वेश्चन बीइंग पब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। यानी सरकार के द्वारा जो भी डाटा, जो भी आंकड़ा, डेथ ऑडिट कमेटी के द्वारा जो भी आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन नहीं किया गया है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई बदलाव या कोई गलती नहीं की गई है। और हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि डेथ ऑडिट कमेटी पूरी तरीके से सक्षम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उन्होंने मौत के आंकड़े समय समय पर जारी किए हैं। बावजूद इसके आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जिस गुजरात में 25 वर्षों से ज्यादा उनका शासन है भाजपा का, जिस गुजरात मॉडल के डंके को पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पीटने का काम करती है, जिस गुजरात मॉडल पे पूरे देश का चुनाव लड़ने का काम करती है, आज उस गुजरात मॉडल का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। अगर आप मौत के आंकड़ों की बात करें तो 865 लोगों की जान कोरोना संकट के समय इस संक्रमण के कारण गुजरात में हुई, जो आंकड़ा पूरे देश में अगर मृत्यु दर के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं देश के किसी भी राज्य में कोरोना से किसी की मृत्यु ना हो, लेकिन जब सच्चाई सामने लाने की बात होगी तो यह बिल्कुल खुला सच है और यह सच बेनकाब हो चुका है कि आज गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से फेल साबित हुई हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है, गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है, गुजरात के सिविल अस्पताल काल कोठरी और तहखाने से भी ज्यादा बदतर हैं। गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है पीपीई किट, वेंटिलेटर, बेड जैसी सुविधाओं का घोर अभाव गुजरात के अस्पतालों में है। गुजरात के हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। गुजरात के हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि आपने दिल्ली प्रदेश और दूसरे प्रदेश के मॉडल को नहीं अपनाया और जांच के मामले में जो प्राइवेट लैब थे, जो प्राइवेट पैथोलॉजी थी, उसको प्रतिबंधित किया, उसको गुजरात में रोक दिया। यानी अगर गुजरात में कोई
कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसको डाउट होता है कि उसको कोरोना है, तो वो किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी में अपना टेस्ट नहीं करा सकता। उसको गुजरात सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है और उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है दिल्ली और तमाम प्रदेश प्राइवेट लैब में जांच कराने की अनुमति देते हैं, तो आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गुजरात के स्वास्थ्य मॉडल के बारे में माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है और इसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो लोग सबसे ज्यादा गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, उनको सामने आकर इन बातों का जवाब देना चाहिए कि आपके सिविल अस्पताल काल कोठरी क्यों बन गए हैं? आपके प्रदेश में N95 मास्क में भी दलाली हो रही है। गुजरात के अंदर 49 रुपए में खरीदा जाने वाला N95 मास्क 65 रुपए में बिक्री किया जा रहा है, यानी N95 मास्क के मामले में भी दलाली और भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी बदहाली सामने आई है। मजदूरों का अगर प्रश्न आप देखें तो गुजरात के अंदर जो उत्तर भारतीय, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, उनको ना तो रोजगार की उनकी व्यवस्था की गई, ना भोजन आदि की व्यवस्था की गई और समय समय पर आक्रोशित होकर वो सड़कों पर भी उतरे, उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गईं, उनको ट्रेन का किराया लेकर जाने नहीं दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको बुरी तरीके से पीटा भी गया। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं जो गुजरात के प्रशासन की, शासन की कलई को खोलती हैं, जो गुजरात के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करती हैं। मुझे लगता है कि दो प्रमुख नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, ये दोनों गुजरात प्रदेश से आते हैं और गुजरात के लिए एक विशेष डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई थी कि इस कोरोना संक्रमण को रोकने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन उसमें क्या सफलता मिली, क्यों आज तक ये बदहाली बनी हुई है, क्यों हाईकोर्ट को ऐसी विपरीत टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, उसके बारे में गुजरात के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सामने आकर जवाब देना चाहिए।